मॉर्निंग। तो ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, और जब नेटवर्क ही नहीं है तो नेट चलने की बात ही नहीं है। तो मैं टेम्परेचर तो नहीं बता पाऊँगा आपको कितना टेम्परेचर है यहाँ का, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। और रात में इन लोगों ने डरा दिया, साले कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभी 2-3 दिन पहले गुलदार आया था और बाघ आ जाता है और उसको उठा ले गया, कुत्ते को उठा ले गया, किसको उठा ले गया। अब साला हुआ क्या, रात में हम लोग खाना खा रहे थे बाहर और एकदम से वो हो गया, कुत्ते भौंकने लगे, हमें लगा साला बाघ आ गया, बाघ के अंदर हो गए। खैर बड़े डरावने तरीके से रात बीती, रात में लाइट भी नहीं थी यहाँ, उसकी बैटरी कमज़ोर हो गई थी, वीक हो गई थी सारी की सारी, पावर उसमें ख़त्म हो गई थी। अभी बस यहाँ से निकलने की तैयारी में है और टाइम हो गया है तकरीबन 7:30, तो सुबह नींद ही नहीं खुली। चलने का प्लान तो 5 बजे का था, 6 बजे का, लेकिन नींद खुली नहीं। तो अब यहाँ से बस चलने की तैयारी में है, बाकी लोग आ रहे हैं। एक बार आपको दिखाते हैं जहाँ पर रुके थे वहाँ का नज़ारा कैसा है। वो कैंप है हमारे जहाँ हम रुके थे, रात में स्टे किया था। ये कुछ ऐसे ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है और चारों तरफ ये इस तरीके से है। ये यहाँ से अभी रास्ते में ही हैं और यहाँ से करीब 25 किलोमीटर एक जगह पड़ती है कुंड। जब आप गोपेश्वर के रास्ते से आएंगे केदारनाथ के लिए तो आपको चोपता वगैरह पड़ेगा और उसके बाद में फिर आप कुंड एक जगह पड़ती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गोपेश्वर जो रास्ता है, मतलब गोपेश्वर से जो रास्ता चोपता तक है, वो बहुत ख़तरनाक है। मतलब मैं उनके लिए तो नहीं कह रहा हूँ ख़तरनाक है जिनको बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है या जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो भी थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि आपका हाथ तंग है ड्राइविंग में, या आपको लगता है कि नहीं आप पहाड़ों में आपका एक्सपीरियंस कम है, तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होने वाली है। बाकी ठीक है। तो अभी हम चोपता से आगे हैं और 25 किलोमीटर पर कुंड है, तो यहाँ पर रुक के थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लिए और अब आगे निकल रहे हैं। पीछे वाली गाड़ी आप समझ ही गए होंगे कहाँ है, तो अब निकलते हैं यहाँ से। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक इन द सेंस कि अब नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, यार भूख भी लग रही है। वेट कर रहे हैं, आपको पता होगा किसका वेट कर रहे हैं। जी हाँ, पीछे वाली गाड़ी फिर पीछे रह गई है, तो पीछे वाली गाड़ी का वेट हो रहा है। जैसे वो पीछे वाली गाड़ी आती है तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। चोपता जगह बहुत अच्छी है घूमने के पर्पज से, मतलब लोग घूमने आते हैं, मुझे पता था। हम लोग तो गलती से पहुंच गए, हमें तो पता भी नहीं था कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहां से चोपता पड़ता है और हम चोपता में स्टे करेंगे, लेकिन घूमने के पर्पज से बहुत अच्छी। लेकिन फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ कि अगर आप बद्रीनाथ से केदारनाथ जा रहे हैं तो गोपेश्वर वाला रूट तब तक मत लीजिए जब तक आपको अपनी ड्राइविंग पे पूरा कॉन्फिडेंस ना हो। भाई बहुत खतरनाक रास्ता है यार, बहुत खतरनाक। और चोपता में कैंपिंग में भी साले वो डरा देते हैं, वो कहते हैं वो तेंदुआ आता है, वो बाघ आता है, वो गुलदार आता है, अभी परसों ही पीछे आया था ऊपर और वो कुत्ते को उठा ले गया। अच्छा यहाँ एक चीज और करते हैं, कुत्ते को गुलदार या बाघ से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कुत्ते के गले में क्या करते हैं, लोहे की चेन डाल देते हैं। लोहे की वो नुकीली टाइप की चेन होती है, जैसे किनारे किनारे से नुकीला नहीं, भाला टाइप का होता है वो डाल देते हैं, क्योंकि वो उनका मानना यह है कि गुलदार हमेशा उसके गले पे ही अटैक करता है, और जब गले पे अटैक करता है तो उससे कुत्ता जो है वो लोहे की चेन पड़े होने के कारण बच जाता है, तो वो कुत्ते पे अटैक नहीं करता है। हो गया है ब्रेकफास्ट और अब चलते हैं। अबे कहाँ पहुंचेंगे हम लोग अभी,
गुप्त काशी। गुप्त काशी अब हम पहुंचेंगे गुप्त काशी। गए हम लोग सोनप्रयाग। यहाँ हम करीब पहुंच गए दोपहर में 1 बजे और फिर हमने एक होटल में चेक इन किया। तो जो यहाँ का रूम है वो अच्छा है और हम लोगों को तकरीबन 1600 रुपये में लगभग 2 रूम मिले हैं जिसमें हम 7 लोगों ने स्टे किया है। एक रूम में 2 डबल बेड हैं और एक में 1 डबल बेड और 1 सिंगल बेड है। तैयार हमारी मैगी बनाई है हमारे अकाउंटेंट साहब ने अंकित दीक्षित। और ये सारे भूखे भेड़ियों की तरह बैठे हैं भूखे भेड़ियों की तरह खाने के लिए। भैया हमारी नहीं है तो इस तरीके का यहाँ रूम का है हिसाब किताब। भीड़ लेकिन काफी हो गई है और अभी अगर आप 2 बजे के बाद ट्रैक शुरू करना चाह रहे हैं तो प्रशासन ने उसको बिल्कुल मना कर दिया है। 2 बजे के बाद आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने होटल में, आज करेंगे यहीं आराम और सुबह शुरू करेंगे ट्रैकिंग।